एक और जहां गंगा जल प्रोजेक्ट के तहत ग्रामीण क्षेत्र में घर घर जल पहुंचाने के लिए जल निगम द्वारा काम किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे ठेकेदार लापरवाही भी बरत रहे हैं। जी हां, एक ऐसा ही नजारा तहसील फतेहाबाद की ग्राम पंचायत पैंती खेड़ा के मजरा बिदरई में देखने को मिला, जहां मेगा कंपनी के ठेकेदार ने गांव में 2-2 मीटर गहरी खुदाई कर दी, लेकिन कई दिनों तक एक लाइन खुदी रहने के कारण आसपास के कई मकानों में दरार पड़ गई। जब इसकी शिकायत फतेहाबाद एसडीएम से की गई तो कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद पीड़ित परिवार मुआवजा या फिर घर ठीक कराने की मांग लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। यदि उच्च अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया तो ग्रामीण क्षेत्र में इसी तरह के हालात और खराब हो सकते हैं। जो है पाइप लाइन खुदी गई है, परिजन हो गए, खुदी गई है, इसमें पानी चल रहा है, कोई सुनवाई है ही नहीं है, और मकान को राज घर को खाली कर दिया, दोनों मकान और चौरे में डरे त्रिपान डर के तीन त्रिपुक डरे चौरे में। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं साहब हमारे मकान बन जाए तो बहुत आराम से रहें घर में, और भी कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं। बेनू साहब हम बिल्कुल नहीं सुनाई कर रहे, कोई पैसे नहीं मिलता है, और तुम कार्रवाई कर लो अपनी भी सको, हम कर रहे हैं कार्रवाई। और यहाँ पर मेगा कंपनी के द्वारा गांव में खुदाई होने के कारण 2-2 मीटर गहरे गड्ढे किए गए, 15 दिन तक उनको खाली कर रखा गया, उनमें 15 दिन तक पानी गया, उसके कारण हमारे 4-5 मकान गिरने की कगार पर हैं, बराबर कर कभी भी गिर सकते हैं। हमने इसकी कार्रवाई जाकर तहसील में फतेहाबाद को लिखकर भी दी थी, डीएम साहिबा को, उन्होंने कोई कार्रवाई हमारी सुनाई की नहीं है। आज हम धरना पर बैठे हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पाएगी। तब तक हम अपने बीवी बच्चों को घर वालों को लेकर ऐसे ही बैठे रहेंगे। हमारी चाची जी हैं, उनके कोई बालक होने को है, अब उनकी हम डिलीवरी कहाँ पे कराएंगे, हमें कुछ जवाब नहीं मिल रहा है। अब फिलहाल कहाँ पे रह रहे हैं? फिलहाल हम चौड़े में रह रहे हैं, वहीं पर खाना पीना जो भी है हम वहीं पर अपनी व्यवस्था करके बैठे हुए कैसे हैं। मकान चटके हैं? मकान भरभराकर चटके हुए हैं, और ये आप देख सकते हैं कि ये देखो पूरी दरार आ गई, 4-4 आंगुर की दरारें हैं, ये कभी भी गिर सकते हैं मकान, भरभराकर किसी की भी जान जा सकती है इसमें, और चार लोगों। क्या चाहते हैं? हम इसका मुआवजा चाहते हैं सरकार से, हमारी यही गुजारिश है, और हम ये चाहते हैं कि हमारी तरह किसी और का भी घर ना गिरे। इस कारण हम ठेकेदार के साथ सख्त कार्रवाई चाहते हैं, उसका ठेका बंद किया जाए, तब काम किया जाए जब हमारा कोई सबब, उसका ठेका बिल्कुल बंद किया जाए ठेकेदार का, इसलिए क्योंकि हमारे जैसे और भी लोग हैं गरीब गुरबा, उनको घर ना गिर जाए इसके कारण। ये पाइपलाइन की वजह से ये खुदाई भाई जाके वजह से रेवेटी अपने 1 मीटर नहीं 2 मीटर खुदाई कर दी थी। हाँ। और जाके वजह से मैटी अपने ही रेवेटी नहीं। हाँ। जाकर पानी का जाम जमीन में गया है, जमीन के पानी से और मकान खिसकने लगे, फटने लगे, जमीन में धसे, फिर फटने लगे, फट गए मकान। हाँ। सब गरीब गुरबाए हम, कैसे कैसे तो मकान बनवाए, क्या मकान गिरास हुए, क्या है गिरास हुए हमारे मकान? मकान में रह रहे हैं? नहीं, छोड़े में आए हैं। क्यों आ गए हैं? अब लड़का भाई घर पर दब गए हमारे, हवाल खाली करता है। आपने फतेहाबाद शिकायत की थी? हाँ कभी।